नीतीश कुमार को दूसरा गठबंधन नहीं बनाना चाहिए था। ऐसी पलटियों से लोगों का भरोसा टूटता है। आरजेडी का हाथ पकड़ने से पहले नीतीश कुमार उनके बारे में सब जानते थे। ये बात सही है कि नीतीश कुमार ने सड़क बिजली के मामले में बहुत विकास किया है, लेकिन इस पलटी की उनसे उम्मीद नहीं थी। नीतीश कुमार चाहे किसी के साथ हो, हम लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को ही वोट देंगे, ऐसा कहना है दिनेश ठाकुर का, जो कि नाई जाति से आते हैं। नाई अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। दिनेश हिलसा विधानसभा, जो कि नालंदा जिले में पड़ता है, इसी जिले से सीएम नीतीश कुमार भी आते हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का कोचगांव कन्वर्सेशन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में सियासी पाला बदलकर एनडीए में शामिल होने का फैसला किया। इस फैसले से नीतीश कुमार के वोट बैंक माने जाने वाले अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में कैसी प्रतिक्रिया है, द हिंदू अखबार ने इसी पर अपनी एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नीतीश के फैसले से अति पिछड़ा वर्ग में सही संदेश नहीं गया। यह रिपोर्ट नालंदा जिले के अति पिछड़ा वर्ग के लोगों से बात के आधार पर तैयार की। इस्लामपुर विधानसभा के कैलाश ठाकुर भी नाई जाति से हैं। वो कहते हैं, मेरी संवेदना आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के प्रति है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी का बिहार में कोई विकल्प नहीं है। वह कहते हैं, नीतीश कुमार ने पहले और दूसरे कार्यकाल में कमाल का काम किया है। हर मोर्चे पर वो बदलाव लाए। नीतीश कुमार का ढलान तब शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी पीएम बने। तब से नीतीश कुमार अस्थिर गठबंधन नहीं बना पाए, वो इधर उधर करते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। हम तेजस्वी के लिए सहानुभूति रखते हैं, लेकिन केंद्र में तो मोदी जी को ही आना चाहिए। वहीं माली जाति से आने वाले धर्मेंद्र कुमार कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किसके लिए वोट करें। उन्होंने द हिंदू अखबार से कहा कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि किसके लिए वोट करें। अगर सरकार बदलना इतना जरूरी था तो यह बेहतर होगा कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और फिर से चुनाव करवाए जाए। ऐसा लगता है कि वोट का कोई मतलब नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि इस बार नोटा बटन दबाऊं। हालांकि केंद्र में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में ये वर्ग पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ ही नजर आ रहा है। अखबार लिखता है कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी जाति कुर्मी की वफादारी अभी तक कायम है। नीतीश कुमार के साथ कुर्मी समुदाय बना हुआ है। नीतीश नालंदा जिले से आते हैं। उनके इलाके की विधानसभाओं में भी अति पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों ने जेडीयू के पाला बदलने की शिकायतें की। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे के मुताबिक राज्य की आबादी में 36% अति पिछड़ा वर्ग की आबादी। अतीत में इस समुदाय से आने वाले वोटर्स नीतीश कुमार को चुनते रहे हैं। नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने का वजह इस समुदाय का समर्थन भी बताया जाता है। अति पिछड़ा वर्ग में नीतीश कुमार के प्रति यह नाराजगी लोकसभा चुनाव में तो ज्यादा नहीं, पर आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए यह वर्ग चिंता का सबब हो सकता है। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।